हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू BHU पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CUCET से जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स या अपडेट निकल कर आ रही है उसके बारे में। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, मैं आपको ये जो भी एक्सर्प्ट्स मैंने लिया है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ रिपोर्ट से लिया हुआ है और मैं आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा और जो भी एनालिसिस है वो आपको पूरी डिटेल में दूंगा। विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ के जो CUCET है वो उस पर ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जो है वो इस मंथ यानी कि अप्रैल के लास्ट तक आ सकता है। ठीक है, ये पूरी संभावनाएं हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। और सिंपल सी यहाँ पे इस पर बात यही कही जा रही है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको अब एक ही फॉर्म फिलअप करना होगा और आगे जैसे जो मतलब कि बात ये कह रही जा रही है कि एक ही फॉर्म फिलअप करना होगा और जैसे पहले हुआ करता था कि अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग फॉर्म फिलअप कर दिए जाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, ये सारी बातें पहले से ही चल रही हैं, जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उसी को हम देखेंगे। यहाँ पे ये है कि एक्सपेक्टेड टू अनाउंस द एग्ज़ाम लेटर दिस मंथ, जो मैंने आपको बात अभी बताई, और साथ ही साथ ये जो है 7 सदस्यीय कमेटी जो दिसंबर 2020 में गठित की गई थी उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो भी सबमिट कर दी हुई है। ठीक है, अब देखिए ये जो बात पहले से ही चली आ रही है कि हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, वो सब सारी बातें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। उसी के साथ साथ जो कमेटी है उसने अपने रिपोर्ट में ये भी रिकमेंड किया हुआ है कि ये जो CUCET है यानी कि कॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो सभी कोर्सेज के लिए जो है वो अप्लाई होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या भी जो भी रिपोर्ट्स है उसके बारे में। देखिए, जबकि जो अमित खरे हैं यानी कि सेक्रेटरी फॉर हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो उच्च शिक्षा के सचिव हैं अमित खरे, उन्होंने मार्च में ये बिल्कुल क्लियर कहा था कि जो एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए होगा उसी में CUCET जो है वो अप्लाई होगी। वो अलग मैटर है कि वो CUCET अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अप्लाई होगा, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में अप्लाई होगा या फिर PhD कोर्सेज में अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा कंसर्न किसके बारे में है, प्राइमरली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में है। आगे देखते हैं जो भी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशंस होगा कि ये UG कोर्सेज में अप्लाई होगा, PG कोर्सेज में अप्लाई होगा या फिर PhD में भी अप्लाई होगा, वो अप्रैल के लास्ट तक बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा जब ऑफिशियल क्लैरिफिकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पे दे देगा आपको। अब आगे बात करते हैं कि जो CUCET है ये आप सबको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के एक उसी के अंडर है, एक उसी का पार्ट है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये सारी चीज़ें इसको कराएगा, पूरा हैंडल करेगा, सारी चीज़ें इसमें आगे दी हुई हैं। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है जो सारी बातें करी जाती हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जैसे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के लिए जो आपको एक ही फॉर्म भरा जाएगा, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये तो बहुत पहले से बातें चली आ रही हैं। आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि CUCET का जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो वो बाय द एंड ऑफ जून होने की संभावनाएं हैं यानी जून के अंत में होने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। और इसी के साथ अगर आगे बात करें तो जुलाई में जो है वो रिज़ल्ट आने की संभावनाएं हैं, यानी कि अभी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बट ये जो रिपोर्ट्स हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आगे मैं बात करता हूँ कि जो CUCET के एक मेंबर थे उनके अकॉर्डिंग परीक्षा का पैटर्न क्या होगा यानी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। देखिए, देयर विल बी 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जैसा कि आपको बताया जा चुका है पहले भी, चैनल पे काफ़ी वीडियोस अपलोडेड हैं, जबकि एक पर्टिकुलर CUCET करके एक प्लेलिस्ट भी चैनल पे बना हुआ, उसको भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बताया गया था यही चीज़। 2 सेक्शंस होंगे, पहला जो सेक्शन होगा वो उसमें 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें रीडिंग कम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन रहेंगे। यानी ये जो पैटर्न था पूरा वो सेक्शन ए का था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो सेक्शन बी होगा या सेकंड पार्ट जो होगा वो 50 क्वेश्चन रहेंगे। वो कहाँ से रहेंगे, जो आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे यानी कि आर्ट्स के क्वेश्चन रहेंगे या फिर मान लीजिए जो बच्चे जो एस्पिरेंट जो है वो साइंसेज के लिए जाना चाहते हैं उनसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए जाना चाहता है तो उससे परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि साइंस मैथमेटिक्स बेस्ड कोर्सेज, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, आर्ट्स, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज एंड विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो भी आपका कोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो 50 क्वेश्चन जो सेक्शन बी का है उसके अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए जो एग्ज़ाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा और उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो दैट विल बी 3 आवर यानी वो 3 घंटे का पेपर होगा। और जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, विल अनाउंस एन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट एज वेल एज परसेंटाइल स्कोर भी आपको बताया जाएगा और साथ ही साथ परसेंटाइल रैंक भी आपको NTA के द्वारा बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, जैसे कि IIT JEE में होता है और NEET में होता है। आगे बात करते हैं कॉमन
ई काउंसलिंग प्लेटफॉर्म की वो बनाई जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, ताकि आपको जो कोर्सेज़ हैं वो अकॉर्डिंगली अलाट हो सकें। तो ये सब आगे की बातें हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है कि जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज़ शुड रिक्वायर एस्पिरेंट्स टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 50% इन द CUCET। कहने का मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि मिनिमम 50% जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है, 50% आपको स्कोर करना है CUCET में। अगर ये ऑफिशियली क्लैरिफाई कर दिया गया तो आपको क्या होगा, 50% जो है आपको लाना अनिवार्य हो जाएगा किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए। अभी जबकि इस पर ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन कमेटी जो कमेटी बनी थी उसने अपने रिपोर्ट में इस बात को शामिल किया हुआ है। आगे बात करते हैं कि यह विश्वविद्यालय पर निर्भर करेगा कि वो जो CUCET का स्कोर है वो जो सेकंड पेपर है यानी कि जो सेक्शन बी है जो इसमें जिसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी को वो कंसीडर करेगी, या फिर सेक्शन ए जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है वो और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट हो, यानी दोनों को मिला करके कंसिडर करेगी। इस पर अभी कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं है, जो यूनिवर्सिटीज डिसाइड करेंगी वो होगी। और साथ ही साथ अगर अप्रैल के लास्ट तक कुछ ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ जाता है तो वो बिल्कुल जो है वो आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ नीर सर के द्वारा एक एनालिसिस किया हुआ वीडियो भी जल्द आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, जिससे कि वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, CUCET से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, वो आपसे मिस ना हो पाए। साथ ही साथ अगर आपको BHU एंट्रेंस या फिर CUCET की प्रिपरेशन करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त करके आप जो है वो प्रिपरेशन करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, जानकारी सही लगी हो, तो दूसरों तक भी शेयर करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और लोगों के करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एट द लास्ट एक बार मैं फिर कहूँगा, इसलिए कनेक्टेड विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। सो एट द लास्ट थैंक यू।